भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। यहां भाजपा के नेता चौधरी देवी सिंह प्रधान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इस दौरान कई दलों के दर्जनों समर्थकों ने भी कांग्रेस का पटका पहना और मौजूदा सरकार को विफल करार देते हुए आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। दरअसल नुह विधानसभा से कांग्रेस विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज आफताब अहमद विधानसभा के बड़े गांव इंडरी में पहुंचे थे, जहां चौधरी देवी सिंह प्रधान ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के चलते पार्टी में उनका दम घुट रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। ये है कि मन तो काफी दिन से था, एक घुटन सी महसूस कर रहे थे, लेकिन जो आज कांग्रेस पार्टी की बात है, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी भिन्नता बढ़ रही है, महंगाई की बात करें, और मोटे तौर पर जो आज सबसे खतरनाक बात है वो इलाकावाद में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हम में भाईचारे को खराब किया जा रहा है, इस पे लोगों में बहुत गुस्सा है। और आज हम जो हमारा जिला है नूह, हमारा ये बहुत पुराना भाईचारा रहा है और आज पूरे हरियाणा की नज़र, मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस नूह के ऊपर है कि यहाँ के भाईचारे को खराब करके हम पूरे देश की हवा को खराब करें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी इस बात का ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे कि हम भाईचारे को मोटे तौर पर खराब नहीं होने देंगे। और जो कमी रही है, अब कांग्रेस के साथ मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर पूरे इसमें हम इसको जोड़ करके चलेंगे और मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो जाति की बात आए, चाहे महंगाई की बात आए, चाहे बेरोजगारी की बात आए, किन्हीं बातों की जो बात होगी हम उसमें सब मिलकर लड़ेंगे। उधर गांव इंडरी में मिले समर्थन और प्यार को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद भी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें और कांग्रेस पार्टी को इंडरी गांव के लोगों से मान सम्मान और समर्थन मिला है, वो उसे बरकरार रखेंगे और गांव की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और जिले में भाईचारे की मजबूती के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक कार्यक्रम की शुरुआत करी, आज उसी के तहत हमारे बड़े गांव इंडरी ने भाई देवी सिंह प्रधान, जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने कर्मचारी यूनियनों में अपना पूरा जीवन भर संघर्ष करके सरकारों से अपनी मनमानी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में और उनके साथियों ने आज हमारा समर्थन दिया है, उसी में आज इनके यहाँ कार्यक्रम में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आज इन्होंने स्वागत समारोह और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किया था, उसी में आज इन्होंने किया है। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों कांग्रेसजनों की तरफ से इनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज देश में जिस तरीके से जो बेरोजगारी, जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई और जिस तरीके से नफरत की राजनीति करने के लिए, और हरियाणा में जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस तरीके से समाज को आपस में लड़ा के नफरत की लड़ाई कर रहे हैं, उसमें भाई देवी सिंह जी का हमें साथ मिलेगा तो उस लड़ाई को हम बेहतर लड़ सकेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में निरंतर सभी लोगों को साथ लेके इस भ्रष्ट और इस निकम्मी सरकार, बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और उसमें हम साथ। बता दें कि चौधरी देवी सिंह प्रधान, धर्मवीर जेलदार, गिरिराज, भारत पूर्व सरपंच हरबंस, नरेंद्र नंबरदार, पोहब सिंह, ओमी मास्टर ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है। इस मौके पर आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस के नेता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत न केवल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं बल्कि इससे पार्टी भी मजबूत हो रही है। नूह से के बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं